हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ मिथुन राशि वालों के लिए 1 मई से 7 मई तक का साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह आपके लिए क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आ रहा है ये सप्ताह आपके लिए, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बनिए रहिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है उस बारे में हम चर्चा करते हैं। सप्ताह के शुरू के दिनों में माँ सरस्वती की पूजा करते रहे, माँ दुर्गा की पूजा करते रहे, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते रहे, फिर अपनी माँ की भी पूजा करे, फिर उनका आशीर्वाद ले तो 14 फायदे आपको निश्चित रूप से होंगे। अपनी पत्नी का सम्मान करते रहे, अपनी पत्नी की सलाह से काम करते रहे तो फायदा अवश्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हानिकारक जो ग्रह है उससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा, वही उनसे आप बच पाएंगे और आपको कई सारे फायदे और सौदा का मौका मिलेगा। वित्तीय लाभ की भी संभावना इस सप्ताह बनने जा रही है, ताकि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। इस समय ऐसा लाभ होगा जैसे आप बड़े कार्यों में हाथ बटा सकते हैं, बड़ा कार्य आप ले सकते हैं, कुछ बड़े बिजनेस में आपको बड़ा लाभ मिलेगा, कुछ बड़े व्यापार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़े व्यापार की इस समय शुरुआत भी कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इस सप्ताह आप अवश्य कर सकते हैं। सप्ताह की जो महत्वपूर्ण दिन है उनमें से महिलाओं के लिए सबसे जरूरी दिन जो पड़ने जा रहा है वो 1 मई से 2 मई का महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शुभ दिन माना जाएगा। सप्ताह के बीच में कुछ ऐसे समय भी आएगा उसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कुछ काम के पीछे आपकी तैयारी को कम करना होगा क्योंकि नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके खर्च पे आपको नियंत्रण रखना होगा, बाहर जाने की योजना बन सकती है, यात्राओं में आने वाले खर्च से आपको बचना है, सेहत धन की हानिकारक परिणाम आपको इस समय सामना करना पड़ सकता है, यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा, यात्राओं में कोई ना कोई परेशानी आपको इस समय इस सप्ताह में मिल सकती है, आपका थोड़ा मूड भी खराब हो सकता है इन यात्राओं की वजह से, आप होने वाली परेशानियों से बचे। एक फालतू का खर्च आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, फालतू के खर्च से यात्राओं से आपको अधिक बचना है। इसके साथ साथ फालतू के दोस्तों के साथ आपको दूर रहना है, फालतू दोस्तों से सब दूर रहना, उनके लिए व्यर्थ का खर्च इस समय बढ़ सकता है, परेशानियां आपकी बढ़ सकती है अगर आपने यात्राएं की तो। आप जब परेशान होंगे, जब यात्राएं करेंगे, अगर आप यात्रा करते तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आप अपने महत्वपूर्ण कामों में मन नहीं लगा पाएंगे, आपको अपने कामों में मन लगाने की पूरी कोशिश करनी है, कामों को आप स्थगित रूप से टाले नहीं, जो भी कार्य आपको मिले उसे पूर्ण रूप से करें। जिस भी कार्य को आप इस समय करना चाहते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी बाधाएं अवश्य आएगी, पर आपको उस कार्य को पूर्ण करना है, जिससे भी आपको आर्थिक रूप से जो हानि होने वाली है वो नहीं होगी। इस समय आपको अपनी सारी ऊर्जा अपने काम पे केंद्रित करनी होगी, चाहे वो कोई भी कार्य हो, आय के साधन बनाने के लिए आपको पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कैसे भी आप अपने आने वाले वक्त में अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाए इन बारों में आपको सोचना चाहिए, खुद को खुश रखने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कोई भी कार्य से आप पीछे ना हटे। बात करेंगे 1 तारीख से, देखिए बात करते हैं 1 तारीख से, 1 मई को आपका दिन निवेश करने के लिए विशेष रूप से अच्छा परिणाम साबित होगा, मुश्किल घड़ी में किया हुआ निवेश आपको सही सहायता प्रदान करेगा, आप म्यूजिकल फील्ड में इस समय जो भी पैसा लगाना चाहते हैं वो आप अवश्य लगा सकते हैं, उससे आपको अत्यधिक धन लाभ हो सकता है, जमीन वगैरह खरीद सकते हैं, आपकी वाणी बहुत ही अच्छी रहेगी। सप्ताह लोग आपके घर पे मेहमान बन के आ सकते हैं जिनसे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, कुछ अचानक मेहमान ज़रूर आएंगे, कुछ अचानक घटनाएं भी घटेगी जो आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। मेहमानों का स्वागत करें और उन्हें आने वाली घटनाओं को भी ध्यान लगाए और जो भी आपके साथ हो वो एक ईश्वर की इच्छा समझ के उसे ग्रहण करें, कहीं ना कहीं आपको फायदा भी अवश्य मिलेगा। बहुत ज़्यादा भागदौड़, बहुत ज़्यादा कामों में खींचातानी हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, वो आपको परेशान कर सकती है, सेहत पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 मई की बात करें तो आपको उस उत्साहवर्धन पूर्ण रूप से 2 मई जाएगा, आप अच्छा करेंगे, आप अच्छे कर्मों में ध्यान देंगे, आपके कामों को लोग खराब करने के लिए बोलेंगे किंतु आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, आत्मविश्वास से ही आप अपने कार्यों को अच्छे मन से कर पाएंगे, आपकी सफलता में लोग
बिल्कुल जुड़ेंगे, आप अगर अच्छे मन से अच्छे तरीके से कार्य करेंगे तो लोग आपसे अवश्य जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, कोई ना कोई आपको विघ्न, कोई ना कोई आपको संकट में पहुंचाने का प्रयत्न अवश्य कर रहा है। खान पान के मामलों में सावधान रहना है। आर्थिक स्थिति में नुकसान तभी होगा जब आप लोगों की बातों में आकर उनके कार्यों में हाथ डालेंगे, उनके बातों के कहे अनुसार कार्य करेंगे तो आपको कोई ना कोई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या अपने अपने ही काम में शक करने बैठ जाए, थक जाए, या कोई भी ऐसी परेशानियां जिससे आपको उसमें से आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। आप अपने जीवन साथी से थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। यात्रा पर जाना अगर जरूरी है तभी जाए, अगर नहीं जरूरी है तो बिल्कुल ना जाए, नहीं तो व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं होंगे। बात करेंगे 3 मई की, आपकी व्यय आपकी आमदनी से अधिक हो सकती है। आपकी आय इस सप्ताह इस 3 तारीख को आपकी बढ़ेगी। मौज मस्ती खुशियों से पैसा लूट सकते हैं आप। आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। छोटे भाई बहनों को नुकसान पहुंच सकता है। आपके जीवन साथी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। वाद विवाद में पड़ सकते हैं, झगड़े से बचे, घर के माहौल में प्रभावित हो सकते हैं वाद विवादों से। आज के दिन आपको बचना है 3 मई को। आज का दिन स्वास्थ्य बाधाओं में निवेश नहीं करना है। कोई भी खान पीन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सेहत का ध्यान रखना है। पैसे को इन्वेस्ट करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4 मई की अगर बात की जाए, 4 मई का दिन बहुत ही खर्चीला आपको दिखाई देगा, उदासी सा थोड़ा रहेगा। आपके प्रत्येक क्षेत्र में फायदा भी होगा, नुकसान भी दिखाई देगा। तो शांति से काम ले, धैर्य से काम ले, चुपचाप रहकर अपने काम करे, फालतू की बातें ना करें, फालतू के विचार ना करें, अपने काम से काम रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से व्यापार की बातें करें, प्यार से बातें करें, अपने जीवन साथी की तरफ मान सम्मान के रूप से रहे, उनके सम्मान करें, उनसे कोई भी व्यर्थ के बात ना करें जिससे उनसे थोड़ी सी भी बात विवाद की स्थिति बने। अपने बच्चों के प्रति अपने दायित्व को निभाए, प्रेम संबंध आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज का प्रेम संबंध, जिनके भी लव लाइफ चल रही है, जिनके भी प्रेमी प्रेमिका से मिलने के संबंध, इस समय कोई प्रेमी आपको उपहार दे सकता है, कोई उनके साथ बाहर जाने के यात्राओं के योग बन सकते हैं। प्रेमी बात करेंगे 5 मई की, आपके लिए सप्ताह का श्रेष्ठ दिन ये 5 मई रहेगा। मान सम्मान के प्रति आपकी मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। व्यापारियों में आज निश्चित रूप से कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखा। शेयर मार्केट में जो जुआबाजी है, इन चीज़ों में आप आज के लिए निवेश अवश्य कर सकते हैं, तो आपको फायदा अवश्य प्राप्त होगा। आप आत्मनिर्भर इस दिन अवश्य रहे। कुल मिलाकर आपका दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले, दिन बहुत ही बेहतर आज आपका बीतेगा। 6 मई की अगर बात की जाए, आज के दिन आपके परिवार में उत्साह जैसा माहौल रहेगा। कोई कुछ 6 मई की बात की जाए तो आपके परिवार में उत्साह जैसा माहौल रहेगा। लोगों से मिलना जुलना होगा, पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपके पुराने काम इस समय बन सकते हैं, कोई रुका हुआ कार्य इस समय पूर्ण होगा। कोई वाहन इत्यादि बुक कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाएगा। विंडो शॉपिंग हो सकती है, खरीदी प्रोती में आज का दिन पूर्ण रूप से जाएगा। परिवार के साथ व्यस्त बिताएंगे आप, अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। व्यवस्था व्यस्त होने के लिए इस दिन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप बहुत ही व्यस्त रहेंगे, व्यस्त होने की वजह से थोड़ा सा खान पीन में थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो सकती है, उसमें ध्यान नहीं रखना तो खान पीन टाइम से करें, पानी में थोड़ा ध्यान दें, पानी खाना इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। आमदनी के नए नए स्रोत आज के दिन खोलेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आज के दिन मिलेगा। परिवार के लोग आपके साथ रहेंगे। 7 मई की बात करें तो आपके लिए कड़ा दिन रहेगा। लक्ष्य प्राप्त के लिए कठिनाइयों का मेहनत से इस समय आपको प्राप्त करनी होगी। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहन से संबंध आपके सुधरेंगे। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए शुभ समय नहीं है आज का दिन 7 मई का। कोई भी जोखिम मत उठाए, यह शुभ दिन नहीं है। किसी भी जगह पर पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करें, जोखिम वाले काम इस समय ना करें, रिस्क लेने वाले कार्य आज के दिन ना करें, जो भी कार्य उसे थोड़ा सा टालें, वरना दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे दोस्त यारियों से बचें जो खान पीन से ज़्यादा विश्वास रखते हैं। खान पीन में ज़्यादा इस समय व्यर्थ का खर्च ना करें। आपको पैसा बचाना है, पैसे खान पीन में ज़्यादा नहीं खर्च करना है। पुराने मित्रों से संपर्क कर इस समय रह सकता है। कुछ अच्छे दोस्तों से यारियों से आज के दिन मुलाकातों से विद्यार्थियों के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बोल चाल में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। 69% शुभ लाभ आज के दिन आपको प्राप्त होगा और आपके लिए 9 नंबर बहुत ही लकी रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए अक्षय तृतीया, सोना चांदी आप खरीद सकते हैं। सप्ताह में आप पूरे सप्ताह माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें, आप पूरे सप्ताह माँ लक्ष्मी की समर्पित करें। क्या करना चाहिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए? सफेद फूल चढ़ाए, खीर का भोग लगाए,
मकान में जहां जहां परेशानियां पैदा हो रही है, लीकेज की परेशानी, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो वहां पंचमेवे का भोग अवश्य लगाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में साफ सफाई अवश्य रखे, अपने कामों से साफ सफाई रखे, और पति को एक दूसरे का सम्मान, पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। घर में पूजा करे, हो सके तो अपने पास के मंदिर में जाकर ईश्वर की आराधना अवश्य करे। इस सप्ताह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसके साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ पढ़ते रहे। आप पूरे रूप से आपका ये सप्ताह कल्याणकारी भावनाओं से, अच्छे धार्मिक यात्राओं से बीतेगा। कोई भी अगर धार्मिक यात्रा इस सप्ताह करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, आपको जन्म कुंडली बनवानी है, जन्म कुंडली दिखानी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्योतिष ज्ञानी चैनल को, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जिससे आपको रोज नए नए अपडेट्स मिलते रहे। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।